श्री साईराम। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा देखो, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। थोड़ा सा उसको ना रोक करना, पहले हम लोग ये बुक का चैप्टर करेंगे टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेंथ और हंड्रेड्स में क्या है, ये हमारा डेसिमल से रिलेटेड चैप्टर है। हमें पता ना डेसिमल जो हम बोलते हैं टेंथ एंड हंड्रेड्स, तो हमने ये चैप्टर पहले फिनिश करना है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगेन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में क्या है, आपने जैसे जैसे मैंने फिल किया है ना बुक में और आपको मैं समझा रही हूँ, वैसे आपने करना है। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड। ये देखो, ये फिगर दे रखी है आपने, इसको स्केल से जहाँ से रख के जहाँ तक ना मेजर करना है। मैंने कर रहा था तो मैंने लिख दिया है ये 5.2 सेंटीमीटर। हमारे पास है ना स्केल होता है, वो उसमें सेंटीमीटर ऐसे वाला, वो सेंटीमीटर्स में होता है ना, उसी से मेजर करना है ये। मेजर इट इज यूजिंग अ स्केल, हाउ गुड इज योर गैस। पहले गैस कर लो फिर मेजर कर लो। ठीक है, गैस तो हुआ 5.2 सेंटीमीटर, सॉरी। तो मेजर करने के बाद देखो क्या आएगा, वी कैन सी दैट अंजू यूज्ड अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर। देखो जहाँ पे लेंस लगा के दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ना जो ये लाइंस होती हैं 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी होती है, टोटल 9, 10 पे आके वो नंबर बन जाता है। ये देखो जहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा स्केल में, बीच में छोटी छोटी 4 लाइन, फिर 5, अगेन 4, फिर 9, जहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ठीक है, दिस इज, अभी ये देखिए, इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। ये देखो 3 से ज़्यादा हुई ना, कितनी ज़्यादा हुई, 5 से 1 पॉइंट आ गया, तो मीन 3.6 सेंटीमीटर, या फिर हम कहेंगे 3 सेंटीमीटर 6 mm। हम mm क्यों कह रहे हैं बेटा, ये जो बीच वाली लाइन्स है ना, हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, मीन मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। ओके, ये आपने याद रखना है। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने mm हो गए, 10 ये हो गया, 100 ये हो गया, 1000 mm। ओके, ये आपने नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, अभी देखो ऐसे ही आयंट है छोटी सी, इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसको देखो कितना हुआ, जहाँ से 1 से कितना है ये 2.3 तक है ना, बट इसमें से अगर हम ये अगला वाला निकाल दें तो ये कितना हुआ, ठीक है, कितना हुआ ये ऐड का, शाबाश, बताओ कितना हुआ। यहाँ से आप देखोगे ये तो लेंस है ना पूरा, जैसे यहाँ तक आ रहा 3 तक, बट ये कहाँ तक है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, मीन ये देखो बेटा 1 तो जहाँ तक होगा ना, अगर 1 से 2 तक जाएगा पूरा 1 सेंटीमीटर पर, ये तो बीच में रह गया, ये 5, 6, 7 कितना हुआ ये 0.7 मिलीमीटर है ना। अगर हम कहेंगे 0.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये फिर हो जाएगा ये 7 मिलीमीटर, यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं आएगा, सिंपल 0.7 मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे ही मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। मुझे जैसे बताया था ना मैंने, 0.1 मीन छोटा सा, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में आपको होता है 10 मिलीमीटर। ओके, तो अगर मैं कहूँ 1 मिलीमीटर कितना हुआ, इट इज 1/10 मीन 0.1 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं ऐसे ही, ऐसे ये देखो ये भी लिखा है पेंसिल की 6 mm, मतलब कि 0.6 सेंटीमीटर। बेटा देखो सेंटीमीटर हमारा बिगर यूनिट है और मिलीमीटर हमारा स्मॉलर यूनिट है ना, तो क्या करेंगे हम, अगर हमने ये हमारा बिगर यूनिट है, ठीक है, एंड दिस इज अवर स्मॉलर यूनिट, अगर हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई करना है, अगर हम इधर से इधर को आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, तो इसी में अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो हमने हमारे इसमें पॉइंट आएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपने थोड़ा ये रीड कर लेना, ऐसे ही ये बताया हुआ कि फ्रॉग 2 टाइप के होते हैं, गोल्ड फ्रॉग है, बुल फ्रॉग है, बुल फ्रॉग जैसे नाम से पता लग रहा है बिगेस्ट फ्रॉग होता है, दिस इज अ स्मॉलेस्ट फ्रॉग, ये है 0.9 सेंटीमीटर, देखो एक सेंटीमीटर से भी कम है ना, और ये हमारा 30.5 सेंटीमीटर, देखो ये बहुत बड़ा है ना, ये सबके 2 स्केल ले लो इतना लंबा, और ये 0.9 मीन्स आपके ये देखो नेल्स के इतने, ऐसे हमारा होता ना ये नेल्स का इतना सा पार्ट, उसके बराबर ये हमारा, अगर मैं इसको अपने हाथ को बोलूँ ना, ये मेरा हो गया 1, ये देखो ये 0.9 सेंटीमीटर मीन्स, ठीक है, ये आपका 10 mm हो गया ना। ओके, तो इसको बोल रहे हैं जो 10 mm हमारा 1 सेंटीमीटर इतना सा, ठीक है, तो
उसी के अकॉर्डिंग बेटा ये क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा रीड करके ना बुक में फिल कर लेना कि इट इज़ द सेम एज 0.9 सेंटीमीटर अगर हम mm में लिखे तो बन जाएगा 9 mm। ओके, तो ऐसे ही इसको हम 9/10 भी बोल सकते हैं। येस वी कैन राइट इट एज 9/10, 9/10 मीन 0.9 सेंटीमीटर। और इसको भी अगले वाला सेंटीमीटर है, पीछे वाला हमारा मिलीमीटर है। ओके, 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपने ये ना बुक में फिल कर लेना है जैसे मैम ने जहाँ लिखा है, थोड़ा रीड करके देखना, ये मैं साथ में कर दिया कि कैसे कैसे आपका आंसर आया है। ठीक है, और आपका जो लेंथ ऑफ द नेल, ये देखो जो नेल पिन है इसके बताओ लेंथ कितनी है, जहाँ पे मेजर करके जहाँ पे लिख दी है 2 के बाद 3 होने से पहले रुक गया तो मीन 9 mm, इसको हम 2.9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा ये देखो नेक्स्ट पेज पे लेडी फिंगर को, ये बेटा आप खुद कर सकते हो आराम से, मैंने वैसे लिख दिया है, इसको देख लेना कि इसको 9 सेंटीमीटर 3 mm मत लिख देना, क्योंकि इसमें 1 निकाला गया आगे, तो मैंने जहाँ लिख दिया कि इसको माइनस करने के बाद आपको 8 सेंटीमीटर 3 mm आएगा। ठीक है, 8.3 सेंटीमीटर। ओके, तो जहाँ पे कैंडल्स हैं इनको भी आपने मेजर करके स्केल से लिखना है, तो मैंने ऑलरेडी जहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आपने इसी को ऐसे एज इट इज अपनी नोटबुक में उतार लेना है, सॉरी बुक में करना है, ये वाला वर्क जहाँ मैंने लिखा नोटबुक वो आपने नोटबुक में करना है, जी आपने बुक में ही करना है। आगे जो एक्टिविटी है ये आपने करनी है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, इसको रीड करना कि जो सबसे आपको लगता है कि 1 गैस करना है, जो आपको 1 सेंटीमीटर से छोटा लग रहा है उसको आपने रेड कलर करना है, जो लेंथ बिटवीन 1 एंड 2 है उसको ब्लू कलर, ऐसे ही ग्रीन और ऑरेंज कलर इनमें करना है। ठीक है, इसको आप नोटबुक में भी कर सकते हो। ओके, दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी गैस ड्रॉ एंड मेजर, ये आपने कुछ गैस करना है अपनी मर्जी से, फिर मेजर करके देखना आप और आपका फ्रेंड है, ये गेम ऐसी एक्टिविटी है। तो ये मैंने बेटा ऑलरेडी थोड़ा सा गैस करके उसको मैंने उसी हिसाब से कर दिया है। ठीक है, जैसे घर में किसी को बिठाकर साथ में उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, आप इसको एज इट इज उतार लेना, नहीं तो अगर आपके आसपास कोई दो फ्रेंड है ना वो आपस में बैठकर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक एंट ड्रॉ की, मैंने कहा लेस देन उसकी लेंथ इतनी हो सकती है, और मेरे फ्रेंड ने जब उसको मेजर ऑफ योर फ्रेंड्स उसने भी ड्राइंग बनाई तो उसकी इतनी निकली। ठीक है, ऐसे ही हमें पता ना 1 सेंटीमीटर कितना सा होता है, जैसे मान का इतना सा होगा उसी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये भी आपने एक्टिविटी है, ये भी आपने देखना है कि पहले देखना है कि दोनों में बताओ कौन सी लाइन बड़ी है, ए और बी। देखो बेटा मुझे तो लगा था कि बी बिगर है क्योंकि उन्होंने जहाँ पे एरो से लगा दिया, बट जब मेजर करे दोनों की लेंथ सेम है। ये देखो मैंने यहाँ पे पेंसिल से भी निशान लगा दिया, ये दोनों की लेंथ सेम है। अब ये आपने करना है, अब बताओ कि सी और डी में से कौन सी बड़ी है। ये देखो जहाँ पे जैसे यहाँ से आपने स्केल रखना है यहाँ तक, इसकी मेजरमेंट लिखोगे, फिर इसको डी को बताओगे कि कौन सी बड़ी है। ठीक है, सी और डी में से। और बेटा ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है, आपने इसको ध्यान से देखना है, इसमें जिनके टेल है ना इनको आपने अच्छे से निशान लगा के, जैसे मैंने लगा रखे हैं, इनको आपने मेजर करना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिख दिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको एज इट इज उतार भी सकते हो अपनी बुक में ही। ठीक है, पेंसिल के साथ करना है आपने काम। ओके, एंड ये देखो ये वाला आपका नोट्स के ऊपर है, आपके मनी के ऊपर, कि मान लो 100 रुपी नोट है, बताओ ये गैस है आपका, बिना हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि मैंने कहा कि वो 20 सेंटीमीटर लंबा है और इतना चौड़ा होगा जो नोट होगा 100 रुपीज़ का, बट जब मेज़र किया तो इतना आया नापने के बाद स्केल से। ऐसे 10 रुपी का नोट भी मैंने सोचा कि 15 मीटर लंबा होगा लेंथ में और 7 सेंटीमीटर ना वो ऐसे चौड़ाई में होगा। ओके, उसी हिसाब से मैंने ये लिख दिया, आप इसको एज इट इज़ अपनी बुक में नोट कर लेना। ठीक है, और ये वाला काम आपने नोटबुक में करना है, ध्यान से सुनो, ये वाला वर्क आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि जब आपके ना वर्ड सम प्रॉब्लम है इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने कर तो दिए हैं पर आपने ये नोटबुक में बेटा अच्छे से करना है। ठीक है, पहले ये फिगर्स बनाओगे, उसके बाद आप एज इट इज ये क्वेश्चन उतारोगे। ठीक है, जैसे हाउ मैनी पैसे डज ए मैच बॉक्स कॉस्ट, कितने की दे रखी है, 50 पैसे की। ठीक है, ये देखो 50 पैसे लिखा ना, 0.50 मैंने जहाँ लिखा है अपने नोटबुक में करना है, क्वेश्चन लिखने सामने आंसर करना है। ऐसे हाउ मैनी मैच बॉक्सेस कैन वी गोट फॉर ₹2.50, मतलब कि मैंने लिख तो दिया कि 5 मैचस्टिक कैसे हमें पता है। बेटे देखो अगर एक मैचिस 50 पैसे की है तो 2 रुपये में कितने 50 पैसे होंगे, 2 रुपये में 4 50 पैसे ना, और एक 50 पैसा ये है तो कितने 50 पैसे हो गए, 5। तो एक 50 पैसे की तो एक मैच बॉक्स आता है, तो 5 के कितने आएगा, 5 मैच बॉक्स मैंने लिखा ना, देखिए 2 रुपीज़ 50 पैसे हैं तो 2 रुपीज़ में कितने 50 पैसे होते हैं, 4 है ना, तो इसकी 4 मैचस्टिक आ गई, एक 50 पैसे की आ जाएगी, टोटल 5। ठीक है, हाउ मैनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट, जहाँ पे सोप भी दे रखा है, सोप की कॉस्ट कितनी है,
ठीक है, ये देखो 8.75। डन। देन अरुण पॉइंटेड टू वाई ए सोप, ही हैज 5 रुपीस कॉइन, 2 1 रुपी कॉइन एंड 4 हाफ रुपी कॉइन, राइट इन रुपीस व्हाट मनी ही विल गेट बैक। पहले जितने पैसे उसके पास है ना, जितने रुपीस, मैंने उनको यहाँ पे ऐड कर दिया, 5 प्लस 2 प्लस 4 हाफ रुपी कॉइन, ये लिखा है हाफ रुपी कॉइन मीन 50-50 पैसे हैं, अगर 4 है तो क्या बन जाएगा 2 रुपीस, है ना। ये सबको ऐड करके उसके पास कितने रुपए बन गए, 9 रुपीस। अब उसकी सोप कितने का है, 8.75 का, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 25 पैसे, है ना। अगर हम रुपीस में लिखेंगे तो 0.25, अदरवाइज 25 पैसे, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट बेटा है एन एग कॉस्ट 2.5 रुपी, एक एग कितने का है, 2.5 रुपी, जिसे बोलते हैं ना 2.5 रुपी, है ना, 2.5 रुपी का है, बताओ। एंड ए हाफ रुपीज, हाउ मच विल वन एंड ए हाफ डजन कॉस्ट, बताओ 1.5 डजन की कितनी कॉस्ट होगी। पहले बेटे देखो, हमें पता होना चाहिए ना एक डजन में कितनी चीज़ें होती हैं, 12, तो हाफ में 12 का हाफ 6, तो 1.5 डजन में कितनी होंगे एग्स, 18 एग्स, 1.5 डजन में 18 एग्स, मैंने जहाँ लिख दिया है, एक डजन में 12, हाफ डजन में 6 होती हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1.5 में, 18 एग्स, ठीक है। देखो बेटा 18 एग्स, अगर कॉस्ट ऑफ 18 एग्स कितनी हो जाएगी, हमें पता ना एक एग हमारा 2.50 मीन, अगर हम पैसों में कन्वर्ट करें तो ये ऐसे बन जाएगा ना 250, इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा पैसों में आ गया। अब हम इसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा 45 रुपीस, तो ये कितने रुपए के आएंगे, 1.5 एग 45 के, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी पेंट्स कैन कनन बाय, हाउ मच मनी इज लेफ्ट। देखो अब यहाँ पे देखो, उन पैसों में से ये दे रखा था कि 60 रुपए में से उसने 1.5 डजन तो एग लेने हैं, जो पैसे बचेंगे उसके बताओ वो कितने पेन खरीद सकता है जो कनन है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें पता है हमारे कितने के एग आ गए हैं 60 में से, ये देखो टोटल पैसे 60 रुपीस थे ना, एग 45 रुपीस के, और कितने बच गए, अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15 रुपीस बच गए हैं, और पेन एक पेन कितने का है, 6.50, बेटा देख के पता लग रहा है, अब उसके पास 15 रुपीस बचे हैं, एक पेन कितने का है, 6.50 का, मतलब कि 650 पैसे हमने पैसों में बदल दिया। अगर वो दो पेन लेगा तो कितने के हो जाएंगे, 13 पैसे मीन 13 रुपए के, 13 रुपीस के हो गए ना, बस 2 रुपीस बचे हैं, तो वो दो पेन तो ले ही सकता है ना, तो उसको 13 रुपीस बचे, वो 2 पेन ले लेगा, है ना। द प्राइस ऑफ 2 पेन इज रुपीस 13, एक पेन 650 का है तो दो पेन 13 के होंगे, है ना। कैन शी बाय 2 पेन्स, यस सो शी कैन बाय 2 पेन्स, ओके। बेटा ये आपने अपनी नोटबुक में करना है, एज इट इज इसको उतार लेना, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक सेंड कर रही हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो मैं आपको इसकी पिक सेंड करूँगी, आपने वहाँ से इसको उतार लेना, ठीक है बेटा जी। साई राम।